पटना वर्सेस वेस्ट चंपारण का ये है वेस्ट चंपारण की टीम जो कि एंटर कर चुकी है, कुछ देर में ही पटना की टीम जरा आने वाली है। अंडर 17 की एंट्री हो चुकी है पटना की अंडर 17 टीम। हाथ मिलाते हुए टॉस होगा, टॉस हो चुका है। पटना ने टॉस जीत चुका है, 17 हो चुके हैं वैशाली की टीम और इधर पटना भी होने वाली है। पटना की टीम फर्स्ट हो चुकी है, 17। और ये हमारे नवी भैया जो कि चाय का व्यवस्था करवा रहे हैं। चलिए चरण पालन की ओर से रेड आते हुए रिहर्सल खाओ होने की सर बच गए। संतोष कुमार पार्टी बदरा के रफ्तार सुपर डुपर रेड है, रनिंग हैंड टच और ये मल्टी पॉइंट, 2 पॉइंट दिया गया पटना की टीम को। अर्जुन का नाकाम टैकल, एडवांस टैकल किया अर्जुन ने। पटना की तरफ से हिमांशु रेड करते हुए ये शानदार पॉइंट, वही बात से बोले मेरे यहाँ टच करने की कोशिश, रनिंग में टच की कोशिश। एमटी रेडी जाएगी फिर से संतोष पटना की ओर से और ये डबल ठाई होल मार दिए गए हैं, इस बार पकड़ा गया संतोष। और फिर से हिमांशु और जबरदस्त एंकल हो, पूरी टीम कूद पर एक ही तरह पटना के प्रो प्लेयर रोशन कुमार जंपर प्लस डुबकी, इनके पास क्या लो जवाब उसके लिए आप देख सकते हो। बोनस कट रहा है जियो सुपर डुपर रेड, इसीलिए इसको बोला जा रहा था सुपर खिलाड़ी। पटना का देख सकते हैं आप, बोनस प्लस 3 पॉइंट मिलेगा आप देख सकते हैं। ओहो जबरदस्त होने से पता
सुपर टैकल ऑन है, क्या सुपर टैकल कर पाएंगे? जी हो गए, सुपर टैकल कर दिए गए, मगर की जगह में पकड़ा गया है रोशन कुमार। पीछे हो रहा है खतरा, फिर से जा रहा संतोष। इस बार क्या बच पाएंगे कि पॉइंट ले पाएंगे? टाइम आउट लिया गया है, थोड़ा गुफ्तगू होगी पटना की टीम में, बादल भैया कोच हैं। वैशाली की टीम में देख सकते हैं गुफ्तगू हो रही है, कैसे कैसे पकड़ना, कैसे कैसे मारना है। इधर भी बता रहे बादल भैया क्या क्या करना है, क्या गलती हुआ, क्या गलती नहीं हुआ है। टाइम आउट खत्म, तो काफी टक्कर की हो रही है। फिर से रोशन कुमार पटना का सुपर खिलाड़ी, लेकिन एंगल और पकड़ लिए जाए, लगता है पटना जीत नहीं पाएगी इस बार। और ये गोलू कुमार जो कि अभी अभी सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं पटना के खिलाड़ी, ये भी काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं फुटबॉल किंग का, काफ़ी अच्छा। और ये किक प्लस प्लस टू पॉइंट, जियो किक प्लस टू पॉइंट मिलेगी, दो पॉइंट मल्टी रेट पॉइंट। सुपर डैश होता है, ऐसा होगा जियो दो पॉइंट। लास्ट रेडर बचे हैं वैशाली की टीम से, वो मैंने बेस्ट चंपा की टीम से वैशाली बोला, सॉरी छोटे का तीन खिलाड़ी, फुटबॉल बहुत अच्छा है इनका। क्या एक मो बोनस दिया दे दिया जाएगा? और ये देखिए रोनी जो कि डिफेंडर है पर गए हैं रेड करने, क्या पॉइंट ला पाएंगे? जी ऑल आउट,
ये टाइम आउट लिया गया है, खत्म हो चुकी है। चंपारण और से रेड करते हैं, आ गए हैं मोटे खिलाड़ी कद के, खट्टे खट्टे रेडर। क्या बोनस ले पाएंगे? टच का दावा है जियो और ये टच ले रहे हैं। फिर से गोल रेड करने गए हैं, क्या बोनस कट रहा है, क्या बोनस मिलेगा? बोनस नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। तो ये रनिंग टू टच का कोशिश कर रहे थे। आजा आजा, वन पॉइंट दे दिया गया। और ये हाफ टाइम, और यहाँ सेकंड हाफ स्टार्ट हो रही है। और यहाँ तो का स्कोर बता दूँ, 11 वेस्ट चंपारण और 18 पटना, 7 पॉइंट की लीड पर है पटना। फिर से गोल हुआ है रेड करने के लिए, देने की कोशिश की है और ये किक करने की कोशिश। ये नजरे कहीं और, निगाहें कहीं और, बार कहीं और नजर रखी हुई थी लेफ्ट कॉर्नर को, हमारे लेफ्ट टीम को। फिर से सुपर टैकल ऑन है, ऑल आउट कर पाएंगे या सुपर टैकल मार पाएंगे? जियो रेड, टाइम आउट मांग लिया है। टाइम आउट के बाद अब आया है रेडिंग करने के लिए। फिर से आ रहे हैं संतोष।
क्या इस बार पॉइंट ले पाएंगे। पिछले हाफ में तो उन्होंने सिर्फ एक ही रेट सक्सेस किया। इस बार अब रोशन आ रहे हैं। इन्होंने फर्स्ट हाफ में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, सेकंड हाफ में इन्होंने अच्छा दावा टच ले गए हैं। सेकंड हाफ का सेकंड टाइम आउट। लास्ट 5 मिनट बचा हुआ है। और ये शानदार था। डिफेंडर है पर रेड करने आए थे। आखिरी 2 मिनट बचा है, लगभग पटना के गिरफ्त में है मैच। परसूट होता है सर।
ले लिए रोशन। ये हो सकता है आखिरी रेड है। अलाउड हो चुकी है। खत्म हो चुकी है और ये लग और ये मैच पटना लगभग पटना ने मैच जीत लिया है। अंडर 17